की महिला थाने पहुंची, जहां उन्होंने अपने साथ हुए दुष्कर्म को लेकर अपना दर्द बयां किया, जो मानवता के लिए शर्मसार कर देने के लिए काफी था। दोनों बहनों ने बताया कि मां के इलाज के लिए पिताजी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ दरिंदों ने हमारे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दोनों पीड़ित बहनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद हमें सहारा और हिम्मत देने की बजाय समाज ने लोक लाज को दिखाते हुए शांत होकर बैठने की सलाह दी थी, लेकिन हमने इस घटना का पुरजोर विरोध किया और जिसके चलते ही शिकायत की है। दुष्कर्म की पीड़ित युवतियों ने आरोपियों का नाम उजागर करते हुए बताया कि इस गैंगरेप की घटना में मोनू सिंह उर्फ विवेक सिंह, मनीष सिंह, अजय सिंह और बिशेन शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दो आरोपियों को धर दबोचा है। मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे, भैया मेरा उस दूसरे कमरे में सो रहा था और हम लोग एक कमरे में थे। तो रात को हम लोग खाना पीना खा के सो गए, तो इसके बाद अंकल मनीष अंकल और अजय अंकल आए, तो दरवाजा हम लोग का खटखटाए और बोले कि मैं मनीष और वो अजय आए हैं। तो मैं बोली किस लिए आए हैं, तो बोले बाहर आओ तो बताऊँ। तो मैं बोली ठीक है आती हूँ। तो मैं जब दरवाज़ा खोली तो मुझे धक्का देके जबरदस्ती उल्टा सीधा करने लगे और मेरे को मतलब किस करने की भी कोशिश करे हैं। तो मैं फिर चिल्लाई तो और बिना से मतलब चिल्लाई तो मेरी बहन आ गई, तो वो लोग बोले कि क्यों बुला रही। तो मैं बोली मेरी बहन आ गई, तो इसलिए मैं इसको मेरे को बचाने लगी मेरी बहन। तो इसके बाद फिर हम मैं और मेरी बहन दोनों भाग गए। कहाँ भाग के आप लोग आए फिर? हम लोग घर मतलब के रूम के अंदर थे, तो फिर बाहर आ गए। फिर थाना कैसे पहुंची और रीवा कैसे आई? तो हम लोग दूसरे दिन उसके बाद 19 तारीख को ये सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग बाहर आए तो दीदी रो रही थी, बोली कि क्या करें। तो मैं बोली चलो चलते हैं रिपोर्ट करेंगे। तो दीदी बोली यहाँ मम्मी पापा के लोग हैं तो केस दबा देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं करो। तो महिला थाना हम लोग आए, मतलब कि यहाँ से अपने घर से चौपरा से चलते चलते हम लोग मम्मी पापा झूठ बोल के दीदी वो झूठ बोली कि प्रोजेक्ट के मतलब फ़ोटो कापी ले जा रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग वहाँ से चौरी तक पैदल आए, फिर वहाँ कोई किसी से हम लोग हेल्प लिए, फिर इसके बाद वहाँ तक मेरे बैकुंठपुर तक वहाँ पर छोड़े। इसके बाद हम लोग रीवा आए, फिर रीवा में हम लोग रात को यहाँ 8 बजे पहुँचे। इसके बाद यहाँ पे आए तो हम लोग को बाहर नहीं दिया जा रहा था, अंदर नहीं दे रहे थे, बाहर थे। तो हम लोग की रिपोर्ट फिर लिखवाए, तो हम लोग इसके बाद ये सब हुआ। आपकी मम्मी पापा कहते हैं कि दीदी को भूत प्रेत मारते, क्या सच्चाई है, क्यों दबाना चाहते हैं वो? हाँ भूत प्रेत लगे थे, लेकिन इस बार जो हुआ है सब कुछ सच है। क्यों ऐसा पापा लोग क्यों कह रहे हैं? पापा लोग इसलिए कह रहे हैं कि मतलब इनकी बेइज्जती ना हो। मेरे मम्मी पापा मेरे घर में नहीं थे, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो बाहर ले गए थे संजय गांधी एडमिट करने के लिए। मेरे अंकल को घर में रुकने के लिए बोला गया था तो वो रुके थे, लेकिन वो रात को रुकते थे और सुबह चले जाते थे। दोपहर टाइम आए और बोले मुझे चाय बना दो। मैं चाय बना के दी, बोले खाना क्या बनाए, बोले दाल चावल रोटी सब्जी, बोले खाना दे दो। मैं खाना दी मेरी बहन को, काम था इसलिए बाहर चली गई गाय को पानी पिलाने, और वो अकेले पाके मेरे को उल्टा सीधा करने की कोशिश की। कौन है वो, फिर कैसे बची हैं आप, क्या नाम है उनका? उनका नाम मोनू सिंह है। उनके साथ और लोग थे दोस्त? नहीं थे, रात में आए थे कोई और दो लोग थे ना उनके साथ ही। वो रात में आए थे, वो मेरी बहन के साथ, वो मुझे नहीं पता है। धमकी दे रहे थे कुछ? हाँ धमकी दे रहे थे मेरे साथ कि अगर तुम किसी और को बताई तो तुम्हें और तुम्हारी बहन को और मम्मी पापा को तुम्हारी जान से मार देंगे, जो भी तुम्हारे घर में जितने लोग हैं सबको मैं जान से मार दूंगा। क्या नाम है उनका? मोनू नाम है। और जो दो लोग और थे धमकी दे रहे थे उनके बारे में नहीं जानती आप? नहीं। आपके साथ गलत भी किया? हाँ किया है। फिर कैसे बची आप? मैं चिल्लाई, रात में यहाँ पहुँची, थाना गई कुछ? मैं रात में मैं झूठ बोल के अपने घर से आई थी। मैं बोली कि मैं प्रैक्टिकल, मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, मैं फ़ोटो कॉपी कराने आई हूँ, लेकिन मैं झूठ बोली। और इसके बाद मैं अपने अंकल की थोड़ी सी हेल्प ली, चौरी तक मैं पैदल आई हूँ। इसके आपके मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उसमें? नहीं। घटना घटी है, ये बच्चियों के परिजन जो थे माता पिता रीवा इलाज कराने के लिए आए थे, और अपने रिश्ते के भाई उनको बोल गए थे कि हमारी बच्चियां घर में उनका ख्याल रखना है। तो दिन में ही पहले दो लोग पहुंचे हैं वहाँ पर आरोपी, और छोटी बहन के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, तो बड़ी बहन ने मना किया कि क्यों ऐसे मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। उसके बाद एक उनका तीसरा साथी जो आया, जो बच्चियों का रिश्ते में चाचा लगता था, ये भी चाचा लगते हैं आरोपी, वो आया, वो बड़ी बच्ची को पकड़ के दूसरे कमरे में लेके गया और ये दूसरे कमरे में इसको रखे। तो इसके बाद वो घटना घटित हुई है बच्चियों के घर में ही।
इसके बाद बच्चियों ने रिपोर्ट करने का प्रयास किया तो पिता ने उनको मना किया था स्टार्टिंग में और कोशिश की थी कि ये रिपोर्ट ना हो। जब भी पिता से बात की भैया आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उसका कहना था कि वो सामाजिक दबाव था, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी बच्चियाँ ऐसा है और ये लोग हमें समाज से कहीं निकालना दें दबाव बना बना के, इस कारण से मैं सामाजिक दबाव के कारण से रिपोर्ट नहीं जा रहा था। कि हो बच्चों ने हिम्मत दिखाई और यहाँ के रिपोर्ट की तो महिला थाने में दोनों बच्चों की तरफ से दो अपराध रजिस्टर्ड हुए हैं। बड़ी बच्ची है जो 20 साल की है उसकी तरफ से 376 का अपराध दर्ज हुआ है आरोपी विवेक सिंह के खिलाफ जो उसका चाचा लगता है रिश्ते का, और जो दूसरा अपराध है छोटी बच्ची की तरफ से कायम हुआ 354 का, उन दोनों आरोपियों के खिलाफ दो आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए हैं, मामला जाँच में है।